हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, यह किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है मुक्तिबोध जी का। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुरुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? इसका आंसर है अज्ञेय जी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसो कहीं न जायका कहिए, देख तब रचना विचित्र अति, समझू मन ही मन रहिए, यह किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है तुलसीदास जी का। क्वेश्चन नंबर 5 है, रावरे रूप को रीति अनुप, नयो नयो लाग तजियो जियो निहारिये, यह किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है घनानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? इसका आंसर है हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोमल गांधार नाटक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्ति का रहस्य नाटक किसकी कृति है? इसका आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? इसका आंसर है गणपति चंद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास किसकी रचना है? इसका आंसर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, माधवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक है? इसका आंसर है द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 14 है, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? इसका आंसर है बौद्ध सिद्ध। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध किसकी पंक्ति है? इसका आंसर है निराला जी की।